हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेथी दाना में कौन कौन से केमिकल हैं और किस तरह से हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाते हैं और मेथी दाना का कैसे उपयोग किया जाए। तो देखिए, मेथी दाना को 25 ग्राम पानी में भिगो दें और 12 घंटे तक भिगोए रखें। उसके बाद उसको अंकुरित करके खा जाएँ और खाने के बाद एक गिलास गर्म पानी पी जाएँ। मेथी दाना का उपयोग ठंडी के मौसम में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी प्रकृति गर्म होती है। तो इसके अंदर काफ़ी काम के केमिकल्स हैं यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए, अगर 100 ग्राम मेथी दाना अगर लिया जाए तो एनर्जी कितना है, 1352 किलो जूल, और कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, 58 ग्राम, और डाइट्री फाइबर्स कितने हैं, 25 ग्राम। तो इस तरह से एनर्जी का भी सोर्स है और फाइबर्स का भी सोर्स है, इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से जो भी नेचर में जो भी सब्जियाँ, फूड सप्लीमेंट पाए जाते हैं, तो उसका कंस्टिट्यूएंट बॉडी के कंस्टिट्यूएंट से मैच करता है। तो मेथी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हुए बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। तो मेथी दाना इतने काम का है। फैट में देखिए, इसमें कितना है, 6.4 ग्राम है, और प्रोटीन कितना है, 23 ग्राम है। तो अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल को बिना कम किए हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना, ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करना, ये सब मेथी दाना का अच्छा यूज है। और विटामिन्स की अगर बात किया जाए तो देखिए, B1 कितना है, 0.322 मिलीग्राम, और राइबोफ्लेविन 0.366 मिलीग्राम, और नियासिन B3 1.64 मिलीग्राम। तो विटामिन का भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मेथी दाना में। और इसका जो पौधा आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी केमिकल में कमी नहीं है। तो देखिए, B6 कितना है, 0.6 मिलीग्राम है, फोलेट 57 माइक्रोग्राम, और विटामिन सी 8 मिलीग्राम है। तो इस तरह से ये जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत काम के होते हैं। तो आप इनका यूज़ करें और इसके लाभ से यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से काफ़ी आराम मिल जाता है। दवा के साथ साथ इसका यूज़ करें, और दिक्कत ज़्यादा है तो भी यूज़ करते रहें, इसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो मिनरल की अगर बात किया जाए तो कैल्शियम देखिए 176 मिलीग्राम है, आयरन 34 मिलीग्राम है, मैग्नीज 191 मिलीग्राम है, जबकि सॉरी मैग्नीशियम 191 मिलीग्राम है, और मैग्नीज कितना है, 1.23 मिलीग्राम है। तो मिनरल का भी प्रचुर मात्रा में स्रोत है। और देखिए, फास्फोरस कितना है, 296 मिलीग्राम है, और पोटेशियम 770 मिलीग्राम है, सोडियम केवल 67 मिलीग्राम है, और जिंक है 2.5 मिलीग्राम है। तो इस तरह से देखिए, पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। तो ये पोटेशियम अधिक मात्रा में रहता है तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल डिपॉजिट है ना, उसको बाहर निकालता है, और सोडियम की मात्रा इसमें कम है। तो सोडियम की मात्रा कम है तो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो अगर ये आपको जानकारी काम की लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनकी भी जानकारी अपडेट होते रहे और बीमारी होने की संभावना